इन हजारों परिंदों में से कैसे ढूंढूंगा मैं निशाचर पक्षी को? जाओ बालवीर जाओ, लेकिन याद रखना अंधेरे में से सुई ढूंढना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है ये काम। अब तुम हमेशा के लिए भटकते रहो इस जटिल फन में। अलविदा। उस पक्षी में टिमनासा की जान बसी हुई है। ये जटिल वन ना जाने कितने कोसों दूर तक फैला है, लेकिन निशाचर पक्षी जो इनमें से किसी भी परिंदे का पीछा करने से नहीं बल्कि मां का पीछा करने से मिलेगा। चली गई मां, काम पूरा हो गया काल परी? हाँ तिमनासा, बस थोड़ी ही देर में हो जाएगा। बालवीर मेरी परछाई का पीछा करने में उलझा हुआ है और मैं जल्द ही असली निशाचर पक्षी को लेकर तुम तक पहुंच जाऊंगी। तुमसे यही उम्मीद थी काल परी। अब जितनी जल्दी हो सके काम पूरा करके पृथ्वी पर आ जाओ, क्योंकि अब धरती का दम घुटने वाला है, अच्छाई का दम घुटने वाला है। भैरानी, ये कौन सी वो है? वो जड़ी? हाँ, ये काल वृक्ष की जड़ें हैं जबदाली, जो बहुत ही जल्द इस पूरी दुनिया में फैलने वाली है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये छोटा सा काल वृक्ष पृथ्वी के वायुमंडल से सारी प्राणवायु सोखेगा कैसे? सब्र रखो भैमार, सब्र का फल बहुत मीठा होता है लेकिन इस बार बहुत कड़वा होगा। ये काल वृक्ष पूरी दुनिया की प्राणवायु सोख लेगा, लेकिन उससे पहले तुम सबको एक काम करना होगा। कैसे काम? अभी तक इस काल वृक्ष की जड़ें सिर्फ एक ही दिशा में हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसकी सहायक जड़ें बाकी तीनों दिशाओं में भी फैल जाएं। अरे लेकिन भैरानी, सर्वकाल मंदिर के तालाब से तो आपने सिर्फ एक मूल बीज निकाला था, अब बाकी के सहायक बीजों के लिए आप क्या तालाब में डुबकी लगाओगे? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं तालुक। भले ये ताल वृक्ष डालों पर कोई चिड़िया अपना घोंसला ना बना पाए, लेकिन ये काल वृक्ष तो अंडा देने वाला वृक्ष बन गया है। ए वृक्ष, दे दो मुझे और अंडे दे दो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम तीनों इन तीनों बीजों को बाकी तीनों दिशाओं में मिट्टी में मिला दो, ताकि वो जड़ें पूरी धरती में फैल जाए। देखो पता है, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। दीदी आप कौन से दिन बुरा काम करते हो? वैसे ये बताओ आज कौन सा अच्छा काम किया है आपने? आज मैंने एक पेड़ लगाया। अगर दुनिया का हर एक इंसान एक पेड़ लगाए तो इस दुनिया में एयर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती। वो तो है दीदी, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, बीच लगाते वो पेड़ एकदम से कैसे बड़ा होने लग गया था? एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो एक दो। दादा की अब ठीक तो है ना?
हाँ बेटा, देखो बेटा पानी लाना। ये लीजिए दादाजी, पानी पीजिए। आराम से दादाजी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है बेटा। बेटा जब पुरानी कार को तेजी से चलाओ ना तो इंजन से आवाज आती रहती है, बस वही मेरे साथ हो रहा है बेटा। पुरानी कार खराब? दादाजी आप तो अभी भी रेसिंग कार है। मैं थोड़ा अनुलोम विलोम कर लूंगा ना, ठीक हो जाएगा। विवान बेटा, हाँ? मुझे सांसें लेने में दिक्कत हो रही है। मम्मी! मम्मी शायद घर पे नहीं है, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। संभल के दादा जी। लगता है यही है निशाचर पक्षी। इससे पहले कि यह पक्षी मां के हाथ लग जाए मुझे इसे पकड़ना होगा। बालवीर तुम मेरा पीछा कर रहे थे। यही फर्क है तुम में और मेरी मां में। मेरी मां चाहे उनके पास कितनी भी ताकत क्यों ना हो वो कभी घमंड नहीं करती, लेकिन तुम अहंकार से भरी हुई हो, घमंडी हो। नहीं नहीं बालवीर, एक और फर्क भी है तुम्हारी माँ में और मुझ में। वो बड़ी अच्छे दिल वाली थी और मैं चालाक दिमाग वाली हूँ। अपना हाथ देखो बालवीर, जिसे तुम निशाचर पक्षी समझ रहे हो कहीं वो धोखा तो नहीं? बालवीर कहीं किसी ने तुम्हारे साथ धोखा तो नहीं किया ना? क्या हुआ, गलत पक्षी हाथ आ गया? इस जटिल वन का एक दस्तूर है, एक गलत फैसला आपको कड़ी सजा दिला सकता है। इस गलत फैसले की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बेचारा बालवीर, मकड़ी के जाल में जैसे कीड़े फंस के मर जाते हैं ना, ठीक वैसे ही इस जटिल वन की शक्तिशाली लताओं में तुम जकड़ के फंस चुके हो। आप क्या करोगे? हाँ, ना ही तुम यहां से जा सकते हो, ना ही उस पक्षी को पकड़ सकते हो और ना ही तिमनासा को कभी रोक सकते हो। क्या करने वाली है तिमनासा? धरती लोक को शमशान बनाने वाली है। अब तुम क्या करोगे बालवीर? और मैं जा रही हूं उस निशाचर पक्षी को पकड़ने। नहीं, मुझे तुरंत शौर्य और परियों को इसके बारे में बताना होगा। एक बार तुम इस जंगल के अंदर चले गए तो ना तुम किसी से संपर्क कर पाओगे और ना ही कोई तुम्हारी मदद कर पाएगा।
अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहां से? हेलो बच्चों, अरे बोलने वाला बर्गर, बोलने वाला बर्गर नहीं, खाने वाला बर्गर। बोल तो मैं रहा हूँ, खाना चाहोगे ये बर्गर? वैसे तो मम्मी ने कहा है किसी भी अनजान लोगों से खाने पीने की चीज नहीं लेनी चाहिए है? लेकिन चिंटी, इसी चक्कर में कितनी सारी चीजें रोज वेस्ट हो जाती है। चॉकलेट, टॉफी, पिज़्ज़ा, और हमें खाना वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं। वाह वाह, कितने नेक बच्चे हो तुम दोनों। आओ आओ, इस बर्गर को वेस्ट होने से बचा लो और इसे खाकर पचा लो। आओ आओ। रुको रुको भैया, क्या हुआ? आप हमसे खाने के बाद पैसे तो नहीं मांगोगे ना? नहीं नहीं, ये बिल्कुल फ्री है। फ्री? हाँ, तुम दोनों के लिए है। आओ आओ आओ, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरा एक नेक काम करना होगा। कैसा नेक काम? जरा जरा इसे पकड़ना तो आराम से। नेक काम ये? ये बीज बोना होगा। बीज बोना होगा? हाँ, आओ आओ मेरे पीछे आओ। आओ अच्छा काम करके कितना अच्छा महसूस होता है ना चिंटी। वैसे बर्गर बहुत मस्त था। हाँ भैया, लाओ ये बीज बो दे, आखिर ये भी तो हमें बड़ा होकर खाने के लिए फल और फ्रूट ही देगा ना। ये लो कुदाल, खोदो गड्ढा, खोदो बीज डालो। थैंक यू। भैरानी, ये तो बहुत बड़ा वो हो गया। वो काम ये लीजिए। हो गया, शाबाश। ये मुख्य काल वृक्ष अब बाकी के तीन सहायक काल वृक्षों के साथ जुड़ चुका है। इस वायुमंडल में अब एक कतरा भी प्राण वायु का नहीं बचेगा। अरे पापा जी, क्या हुआ आपको? लगता है अब इन्हें अस्थमा की शिकायत शुरू हो रही है। आज क्लिनिक में सैकड़ों ऐसे केस आए बुजुर्ग पेशेंट के जिन्हें अचानक ही सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। आप कहाँ जवान हो डॉक्टर? डॉक्टर सिंह, आपकी भी तो उम्र हो चली है। एक ही दिन में सैकड़ों केस? दादाजी संभल के। मुझे भी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर साहब, आप दोनों आराम कीजिए, मैं पानी लाती हूँ। ला रही हूँ पानी। इसका कारण है लगातार कटते हुए पेड़। हमें उन आंटी को ढूंढकर और बीज लगाने चाहिए।
अब किस आंटी की बात करी हो दीदी? अरे वही आंटी जिनके साथ मिलकर मैंने हवा को साफ करने वाला बीज बोया था। अब कमाल की बात तो ये है कि एक ही मिनट में वो बीज पौधा बन गया था। दीदी आप किस आंटी की बात करी हो? मम्मी की कोई दोस्त थी और उनके साथ एक छोटा लड़का भी था, बहुत ही मजाकिया किस्म का था। कहीं वो दोनों तिमनासा और तौबा तो नहीं थी? दीदी आपने वो बीज कहाँ लगाया था? ग्रीन गार्डन में। क्यों? अरे विवान क्या वो बता तो सही। ये सब क्या हो रहा है? इन सबको सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? कहीं तिमनासा ने हवा में कोई जहर तो नहीं मिला दिया? मुझे परी और बाटर से मिलना चाहिए। मैं हार नहीं मान सकता, मुझे जल्दी इस निशाचार पक्षी को ढूंढना होगा। पता नहीं तिमनासा क्या करने वाली है। इन बेलों को मैं तोड़ तो नहीं सकता, चिकन काट तो सकता हूं। उस निशाचर पक्षी को ढूंढने के लिए मुझे कोई और तरकीब लगानी होगी, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तन्ना सा पृथ्वी लोक पर कौन सी नई चाल चल रही है, और विवान और परी अब उसका सामना कैसे करेंगे। हवा में जहर नहीं मिलाया तन्ना सा ने, लेकिन हवा में प्राण वायु की मात्रा बहुत तेजी से कम होती जा रही है। विवान मुझे लगता है कि ये सब उस बीज की वजह से हो रहा है जो तन्ना सा ने दीदी को ग्रीन गार्डन में लगाने दिया था। बीज? कौन सा बीज विवान? दीदी बता रही थी कि कुछ ही मिनट में उस बीज से पौधा निकल आया था। फिर तो हमें तुरंत जाकर उस बीज को देखना चाहिए। हाँ। हमें देरी नहीं करनी चाहिए। विवान तुम चलो हमारे साथ। हाँ। लेकिन हम उस पौधे को ढूंढेंगे कैसे? जरा सोचो पानी परी, जो पौधा हवा से प्राण वायु सोख रहा है वो पेड़ तो धरती के पेड़ जैसा बिल्कुल नहीं दिखता होगा। अगर कुछ ही मिनट में वो बीच से पौधा निकल आया था तो अब तक तो वो पौधा बहुत बड़ा पेड़ बन चुका होगा। विवान ये एक पेड़ नहीं, ऐसे बहुत सारे पेड़ है यहाँ। और ये देखो, और ये सारे पेड़ बाकी पेड़ों से एकदम अलग है। ये पेड़ तो बहुत तेजी से धरती की हवा से प्राण वायु सोख रहा है। तो हमें भी बहुत तेजी से इन पेड़ों को खत्म करना होगा भाई परी। यस। भैरानी, नन्ही उंगली की कसम, कहीं ये लोग हमारे हरे भरे बगीचे को वो तो नहीं कर देंगे? तबाह। वैसे तो इन पेड़ों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन पेड़ अगर बदतमीज हो
जो ऑक्सीजन देने की बजाय ले ले, तो इन्हें नष्ट करना ही अच्छा है। हमें जल्दी से जल्दी इन सभी पेड़ों को नष्ट कर देना चाहिए। क्या हुआ विवान? वो देखो, न जाने तिमनासा ने कौन सी खाद देकर इन पेड़ों को बड़ा किया, जो इतने हमलों के बाद भी ये अभी तक जिंदा है। ये सिर्फ जिंदा ही नहीं, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे इतना हमला करने के बावजूद भी ये पेड़ नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? ये काल वृक्ष धरती पर पाए जाने वाली अमर बेल की तरह बहुत जिद्दी है। इसकी एक जड़ काटोगे तो बाकी और चार पैदा होंगे। और बेचारा बालवीर तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे तो भैरानी ने जटिल वन में कैद करके रखा है। अच्छाई से भरी ये पृथ्वी अब बहुत ही जल्द लाशों से भरी होगी। ना तो इसे बालवीर बचा पाएगा और ना ही उसकी वो परियां।